हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल द नेटिंग एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेके आए हैं जिसमें एक भी जाली नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसे आप हर एक पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वह लेडीज कार्डिगन हो, लेडीज कोटी, लेडीज ब्लाउज, गर्ल्स टॉप, बेबी फ्रॉक्स, ऑल ऑफ दिस में, या जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन। आप नीचे इसमें पहले बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लीजिए, धागा आगे लेके आए, एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच फंदों को आप फर्स्ट फंदे को छोड़कर फ्रेंड्स पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे लेके जाएं, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे। धागा आगे लेके आए फ्रेंड्स, फर्स्ट फंदे को छोड़कर पांच और पांच दस फंदों का ये मल्टीपल है। इसी तरह आप पूरी रो कंप्लीट करें, एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच फंदे उल्टे बनाने हैं। धागा पीछे लेके जाए, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। पांच फंदे सीधे बनाने हैं। लास्ट के फंदे को आप सीधा ही बना लीजिए। रोंग साइड से सेकंड रो, बैक साइड में आपको पूरी रो उल्टी बनाकर ही कंप्लीट करनी है। तो मैं वन टाइम बताऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए, उल्टा ही बुनना है हमें, पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो चलिए हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड रो फ्रंट की साइड से पहले हमने फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लेना है और सेकंड फंदे को भी हमें सीधा बनाना है। धागा अपनी साइड लेके आए, एक, दो, तीन, चार और एक सीधे फंदे को भी हमें लेना है, पांच। पांच फंदे उल्टे बनाने हैं। धागा पीछे लेके जाए, एक, दो, तीन, चार, एक उल्टे फंदे को हमें सीधा बनाना है, पांच। ये 10 फंदों का मल्टीपल सेम पैटर्न रिपीट होता जाएगा। धागा आगे लेके आए, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। पांच फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे लेके जाए, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे। रो फोर सेम रिपीट होएगी सेकंड रो की तरह, पूरी रो उल्टी ही बुननी है। तो फ्रेंड्स देखिए, रो फाइव, एक, फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे, एक और ये दो, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। धागा आगे लेके आए, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। पांच फंदों को हमें उल्टा बनाना है। धागा पीछे लेके जाए, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। पांच फंदों को हमें सीधा बनाना है। धागा अपनी साइड लेके आए, एक, दो,
चार और ये पांच, पांच फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। धागा पीछे लेके जाएं, बाकी के फंदे आप सीधे बना लें। टेन टेन के मल्टीपल से पूरी रो कंप्लीट करें। बैक साइड से उल्टा ही बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, रो सेवन राइट साइड फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे। लास्ट टाइम हमने दो फंदे सीधे बनाए थे, तो इस बार हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे। धागा आके लेके आए, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे लेके जाए, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे। इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करते जाए टेन टेन के मल्टीपल से। एक दो तीन चार, पांच फंदे उल्टे बनाने हैं। धागा पीछे लेके जाए, एक दो और लास्ट के फंदे सीधे बना लें। बैक साइड से सेम रिपीट करें सेकंड रो की तरह। रो नाइन फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे हमने पहले सीधे बुने थे, अब की बार हम चार फंदे सीधे बुनेंगे। धागा आगे लेके आए, एक दो तीन और ये चार, और लास्ट का सीधे फंदे को भी हमें उल्टा बनाना है। पांच, पांच फंदे उल्टे बनाने हैं। एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हमें सीधे बनाने। सेम ऐसे ही रिपीट करते जाए और अपनी रो कंप्लीट कर ले। तो फ्रेंड्स, रो 11 ग्यारहवीं सिलाई में हमें क्या करना है, फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लेना है, एक दो तीन चार और एक उल्टे फंदे को बुनेंगे हम इस बार पांच, पांच फंदे उल्टे सीधे बनाने हैं और पांच ही फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। दो तीन चार और ये पांच, ये टेन टेन के मल्टीपल के पैटर्न को आप सेम रिपीट करते जाए, पांच उल्टे पांच सीधे। देखिए पांच सीधे बनेंगे, तीन चार पांच और फिर पांच उल्टे बनेंगे। बैक साइड से हमें उल्टा ही बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी 9 रो 11 हो चुकी है और 10 रो भी हमने कंप्लीट कर ली है बैक साइड से उल्टा उल्टा बनाकर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, फर्स्ट फंदे को हमें ऐसे ही उतार लेना है और धागा आगे लेके आए और फिर से फर्स्ट रो की तरह ही सेम रिपीट करें। पांच हमें उल्टे बनाने हैं, और उल्टे पे हमें फिर से पांच सीधे बनाने हैं। तीन चार पांच, फर्स्ट रो की तरह ही हम रिपीट कर रहे हैं, पांच उल्टे पांच सीधे। इसी तरह रिपीट करते जाएं, टेन टेन के मल्टीपल के पैटर्न को आप पूरी रो में रिपीट करें। चार पांच पीछे लेके जाएं और पांच सीधे बनाएं। बैक साइड से हमें सेम रिपीट करना है सेकंड रो की तरह ही। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार हमारा ये पैटर्न इधर को चला है, अब की बार हम ये इधर की साइड को लेके जाएंगे। तो फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे, धागा आगे लेके आए, पहले हमने पांच उल्टे बनाए थे, इस बार हम चार उल्टे बनाएंगे। एक दो तीन और ये चार,
चार फंदे उल्टे बनाने के बाद इस उल्टे फंदे को हमें सीधा बनाना है। एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हमने सीधे बनाए। ये यहाँ से फिर पांच उल्टे और पांच सीधे बनाएंगे हम। एक दो तीन चार पांच, पांच सीधे बनाएंगे। एक दो तीन चार और ये पांच, लास्ट के एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और एक सीधा बनाएंगे। आखिरी के फंदे को हमें सीधा ही बनाना है। बैक साइड से सेम रिपीट करें। देखिए 13 रो फ्रेंड्स, 13 रो में हमें क्या करना है, फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लेना है। उससे पहले हमने चार फंदे उल्टे बनाए थे, इस बार हम तीन ही फंदे उल्टे बनाएंगे। तो धागा आगे लेके आए, अपनी साइड करें और तीन फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे लेके जाए, पांच फंदे सीधे बनाए। एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे सीधे बनाए और पांच उल्टे बनाए। पांच उल्टे और पांच सीधे के पैटर्न से आप अपनी यह रो कंप्लीट कर लें। अब जब तक हमारे लास्ट के फंदे को छोड़कर यहाँ पे पांच फंदे नहीं हो जाते, हम सेम रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, रो 15 फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे। और दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक और ये दो, धागा पीछे लेके जाएंगे, पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे। एक दो तीन चार और ये पांच, धागा अपनी साइड करें। एक दो तीन चार और ये पांच, ऊन पीछे लेके जाएं, पांच फंदे सीधे बनाएं। पांच उल्टे पांच सीधे के ये पैटर्न से बार बार रिपीट करते जाए, 10-10 के मल्टीपल से। लास्ट के फंदे को आप सीधा ही बनाए, बैक साइड से सेम रिपीट करें। तो फ्रेंड्स देखिए रो 21, 20 हमने उल्टी बना के ही कंप्लीट की, वो 21 फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे, धागा आगे लेके आए, एक फंदा उल्टा बनाए, धागा पीछे लेके जाएं, पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे। एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे लेके आए फ्रेंड्स, पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे। एक दो तीन चार पांच, इसी तरह आप सेम रिपीट करते जाए, पांच सीधे और पांच उल्टे। लास्ट के फंदे को आप सीधा ही बनाए, बैक साइड से सेम रिपीट करें। रो नंबर 23 फ्रेंड्स, फर्स्ट फंदे को हमें ऐसे ही उतार लेना है और पांच फंदे हमें सीधे बनाने हैं। एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे बनाने के बाद इस एक फंदे को सीधे को और चार उल्टे बनाने हैं। तो टोटल पांच फंदे हमें उल्टे बनाने हैं, पांच फिर से रिपीट करना है, 10-10 के मल्टीपल को, पांच सीधे और पांच उल्टे।
लास्ट के वेल्डिंग को हम सीधा ही बनाएंगे। बैक साइड से सेम रिपीट करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिजाइन तैयार है। ये 1, 2, 23 सेम रिपीट होता जाएगा पैटर्न। आप इसी को बार बार रिपीट करते जाएं और हमारा डिजाइन बनके तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें, ताकि हमारी जब भी नई वीडियो बने तो आप तक जरूर पहुंच पाए। थैंक यू।